उस बीच बालाघाट से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बालाघाट में केंद्रीय गृह मंत्री का विमान नहीं उतर पाया है, खराब मौसम के चलते विमान नहीं उतर सका है। दुर्ग से बालाघाट अमित शाह आ रहे थे, लेकिन इसी बीच मौसम खराब हुआ और उसी के चलते विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते गृह मंत्री का विमान लैंड नहीं कर पाया है। दुर्ग से बालाघाट की ओर गृहमंत्री अमित शाह आए हुए हैं, लेकिन अब आगे क्या कुछ होना है अब इससे लेकर अब जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको यह भी बताया कि मेगा शो यहां पर केंद्रीय गृहमंत्री का होना है। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बालाघाट का दौरा था, अभी सूचना मिली कि स्थगित हो गया है। जो दुर्ग से जो उनका विमान उड़ना था, वहां पर खराब मौसम के कारण उस विमान को उड़ने के बाद वापस से ले जाना पड़ा। और ये पायलट और इन्होंने ये कहा कि जबकि गृह मंत्री है तो अभी संभावना नहीं है कि खराब मौसम इतना ज्यादा खराब था तो उसे बालाघाट नहीं लाया जा सकता था, तो इस कारण विमान को बालाघाट नहीं लाने के कारण वापस दुर्ग में ही उतारा गया। और दुर्ग से अब सीधे अमित शाह का जो विमान है वो सीधे अब वहां के लिए अपना उड़ चुका है, नागपुर के लिए। तो अब ये साफ हो गई है तस्वीर कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बालाघाट में ना रोड शो में शामिल होंगे, ना ही वे सभा में शामिल हो सकेंगे। अभी अभी भाजपा ने तय किया है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस जो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो बड़े तमाम नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते और ये बाकी नेता अब इस सभा को संबोधित करेंगे, और जो रोड शो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही होगा। तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि शाह भोपाल बालाघाट नहीं आएंगे और अब उन्हें उनके विमान को नागपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। आगामी कार्यक्रम शैलेंद्र क्या रहेगा? केंद्रीय गृह मंत्री क्या बालाघाट आने वाले समय में आएंगे, इस पर क्या अभी तक कुछ जानकारी? नहीं, देखिए अभी कुछ भी नहीं, अभी सब सारी आकस्मिक घटना है। अभी अभी कुछ ही पलों में पता चला है कि शाह के विमान को मंजूरी नहीं मिली है। तो अब अमित शाह का आगे का दौरा क्या होगा, किस तरह का कदम उठाए जाएंगे आगे, वो कब आते हैं, सभा कब लेते हैं, अभी इस तरह इस पर कोई भी भाजपा का बड़ा नेता या कोई भी कुछ बोलने को अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शैलेंद्र, ये भी बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, आगामी कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में अब? अभी आपको अभी जो एक सभा होनी है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, तो अभी आगे का कार्यक्रम तो यथावत है, जनसभा होगी। बस ये जो बदलाव किया गया है कि अब इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे निश्चित तौर पर। तो शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी भी हमें दे रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विमान लैंड नहीं कर सका है। विमान दुर्ग से बालाघाट की ओर आने के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन उसके बीच मौसम इतना खराब हुआ कि रिस्क लेना बहुत मुश्किल था। पायलट्स की तरफ से यही सजेस्ट किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं और कोई अनहोनी ना हो, इसी के चलते इस बड़े फैसले को लेना पड़ा है। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि अभी कोई आसार नहीं है केंद्रीय गृह मंत्री के यहां पर पहुंचने के, और इसलिए आगामी कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही करवाया जाएगा। दुर्ग से बालाघाट अभी नहीं आ पाएंगे अमित शाह, आगामी कार्यक्रमों को लेकर हो सकता है कि आगे जानकारी साझा की जाए। शैलेंद्र, मौसम खराब होने के चलते जिस तरह से जानकारी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के भी आसार, क्योंकि जनता जरूर इंतजार कर रही थी केंद्रीय गृह मंत्री का कि आगामी कार्यक्रम कुछ तय हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अमित शाह का इंतजार बड़ी बेसब्री से जनता करी थी, या करीब जो यहाँ सभा स्थल है वो 2-3 घंटों से पूरा खचाखच भरा पड़ा है। अब देखिए, अब आप चाहिए आप देखिए कि मंच पर आप सभा स्थल पर आपको नजर आएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आ चुके हैं मंच पर, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ये सीएम शिवराज सिंह चौहान अब आ चुके हैं, तो सीएम भी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह का आगे का जो भी कार्यक्रम है अभी इसको लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे अब कब आएंगे, लेकिन ये साफ हो गया कि आज का उनका दौरा स्थगित हो गया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सभा को संबोधित करेंगे और वे मंच पर पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज मंच पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मंच पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंच पर पहुंच चुके हैं, तो अब ये साफ है कि अमित शाह तो फिलहाल अब यहाँ बालाघाट में नहीं आएंगे। ठीक है शैलेंद्र, लगातार बने रहेगा हमारे साथ, ये तस्वीर भी लगातार पहुंचाते रहेगा। फिलहाल दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं, बालाघाट के मंच पर मौजूद हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हीं के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शोभा यात्रा निकाली जानी है उसका आगाज भी अब मुख्यमंत्री के हाथों ही, क्योंकि बड़ी जानकारी अभी यही मिल रही है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विमान यहां तक नहीं पहुंच सका है मौसम खराब होने के चलते। इस प्लान में बड़ा डायवर्जन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यहां पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि विमान उड़ान नहीं भर सका। लेकिन दूसरी तरफ बालाघाट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे थे। हालांकि निराशा जरूर उन्हें हाथ लगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालांकि जिस तरह से निर्धारित कार्यक्रम है वो जरूर उसी तरह से होगा, कन्या पूजन होगा और उसके बाद औपचारिक शुरूआत इस पूरे कार्यक्रम की। फिलहाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तो यहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो रूपरेखा पहले से ही इस कार्यक्रम की तय की गई थी उसी के तहत, उसी शेड्यूल के तहत आगे कार्यक्रम होना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है इस मंच की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। और आपको यह भी जानकारी बताएं कि बालाघाट विमान नहीं पहुंच पाया, बीच में ही मौसम खराब हो गया और इसी के चलते वापस रायपुर की ओर विमान मोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और अचानक से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मौसम खराब हुआ और उसी के चलते अंदाजा कि शायद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जो विमान था उड़ान नहीं भर पाया और बालाघाट नहीं पहुंच पाया। इसी के चलते ये भी जानकारी कि रायपुर वापस डायवर्ट किया गया है क्योंकि कोई भी रिस्क लेना खतरे से भरा साबित हो सकता है खराब मौसम में अगर विमान उड़ाया जाता तो, और इसी के चलते इस फैसले पर सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ बालाघाट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, दीप प्रज्वलन हो चुका है और अब औपचारिक शुरुआत इस कार्यक्रम की होगी। जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे आप अंदाजा लगा सकते थे कि अमित शाह का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विमान यहां पर नहीं पहुंच सका। हालांकि निश्चित तौर पर इतना निराश नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे गृहमंत्री, क्योंकि आगामी कार्यक्रम हो सकता है उनका आने वाले समय में बालाघाट की धरती पर तय हो, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में अब देखना होगा कि अमित शाह क्या बालाघाट पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए बीजेपी उसी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई। तो मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है इस कार्यक्रम की, जहां शोभा यात्रा का आगाज भी आज मुख्यमंत्री ही करेंगे। पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उस यात्रा का आगाज करने वाले थे लेकिन चूंकि आज नहीं पहुंच पाए हैं इसी वजह से दौरा उनका स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शोभा यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे।